संकेत बुरा मत यस आप शुरू करें पहले आप अच्छा मेरा मैं पहला आदमी हूँ राजस्थान प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा खरीफ 2018-19 की सारी तैयारियां विभाग के द्वारा कर ली गई है और इस वर्ष पूरे राजस्थान में 1,59,000 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी प्रकार से 8,00,000 क्विंटल के लगभग बीज की व्यवस्था की गई है। साथ ही डीएपी में 3,00,000 मेट्रिक टन और इसी प्रकार यूरिया में 8,00,000 मेट्रिक टन की व्यवस्था की गई है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष मौसम विभाग के द्वारा जिस प्रकार की घोषणा की गई है 15 मई से केरल से मानसून की दस्तक पहली दस्तक होगी और राजस्थान प्रदेश में प्रथम सप्ताह जून तक मानसून आने की संभावना बताई गई है। इस वर्ष गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 97% के लगभग बारिश का अनुमान बताया गया है मौसम विभाग के द्वारा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आजकल जलवायु परिवर्तन पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में हो रहा है और जिन जिलों में जहां बारिश डेफिसिट रहा करती थी जहां रेनफेड एरिया हुआ करते थे गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुमान लगाया गया है कि वहां पर अधिक बारिश होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वेस्टर्न राजस्थान को भी नवाचार के क्षेत्र में हो या परंपरागत खेती के क्षेत्र में हो सारा रोड मैप बनाया गया है। जैसा कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा भी जो सर्वे हुआ है उसमें 112 वर्षों का जो अध्ययन हुआ है उसमें राजस्थान में 9% के लगभग वर्षा की अधिकता पाई गई है। इसलिए हमारा ये देखना है कि इस वर्ष कोशिश करेंगे कि संभावित परिस्थितियों को देखते हुए वेस्टर्न राजस्थान में पिंड खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्रयास शुरू कर दिए हैं, टेंडर ले रहे हैं। जो ही प्लांट आएंगे निश्चित रूप से किसानों को हम देंगे और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय भारत सरकार के कृषि मंत्री जी को भी एक प्रस्ताव हम लोगों ने वेस्टर्न राजस्थान में ओलिव के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा के साथ हमने प्रस्ताव भेजा है। क्योंकि वहाँ पर यदि वो बनेगा तो पूरे हिंदुस्तान में नवाचार के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यही नहीं कि जैसा कि मौसम बदल रहा है पूरे प्रदेश में गर्मी फैलती जा रही है बढ़ती जा रही है, कुओं का जलस्तर धीरे धीरे गिरता हुआ जा रहा है, क्लोराइड फ्लोराइड टीडीएस और नाइट्रेट और आर्सेनिक कहीं कहीं आर्सेनिक भी जल स्रोतों से मिलने लगा है, इसकी चिंता करते हुए हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में 27 शहर
7,838 गांव और ढाणियों को शुद्ध पेयजल से जोड़कर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीणों को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस वर्ष जैसा कि बजट में घोषणा हुई है, एक कंटिंजेंसी प्लान बनाया है और कंटिंजेंसी प्लान के अंतर्गत प्रत्येक एडिशनल चीफ इंजीनियर को 50-50 करोड़ रुपए कंटिंजेंसी से निपटने के लिए उनको दिए गए हैं, ताकि प्रत्येक ज़िले को 50-50 लाख की स्वीकृति मौके पर जारी कर सकेंगे और तुरंत प्रभाव से जहाँ भी पानी की कमी है वहाँ पर वो स्वीकृति जारी कर सकेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भी 24 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हमारे ऐसे ग्रामीण ढाणियाँ जहाँ पर लगभग 1145 गाँव और ढाणियों में 1550 टैंकर के माध्यम से उनको जल सप्लाई किया जा रहा है। इसी प्रकार पर कैपिटा 10 लीटर उनको पानी मिले यह सुनिश्चित करने की कार्रवाई भी हम लोग की है। जहाँ पर अर्बन का सवाल है, 22 करोड़ रुपए भी 13 शहरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2142 टैंकर्स के ट्रिप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। आगामी वर्षों के लिए 9 परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है और लागत 4,972 करोड़ रुपये है, जिसमें 2 शहर है, जिसमें डूंगरपुर और जयपुर का जो बाहरी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बिसलपुर से पेयजल योजना को और अधिक सुदृढ़ीकरण करके इनको लाभान्वित किया जाएगा। और इसी प्रकार 2600 गांव और 547 ढाणियों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करके पेयजल को सुदृढ़ किया जाएगा। मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा ग्लोबल एग्रीटेक मीट 23 से 25 तारीख तक जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित होगा और इसकी खास विशेषता यह है कि इस वर्ष में हमारा ये प्रयास होगा, फोकस होगा कि वहाँ पर मसाला का क्षेत्र है, खासतौर से जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मिर्ची, ये सारा प्रोडक्शन उस क्षेत्र में होता है। अभी वर्तमान में खाड़ी देशों के माध्यम से इसका कई लोग इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को आमंत्रित करने के लिए हमारा खास फोकस रहेगा कि मसाला के क्षेत्र में राजस्थान मसाला प्रोत्साहन निर्यात योजना हम लोगों ने चालू की है, उसके अंतर्गत हम लोग मौके पर आवेदन भी लेंगे और ऐसे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को 1 साल में लगभग 15 लाख रुपये, 3 साल तक 15 लाख रुपये से उनको प्रोत्साहित हम लोग करेंगे, ताकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन जो हमारा 5 जिलों का बना, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर सहित 5 नागौर, इन 5 जिलों के क्षेत्र में इस सब गोल को बढ़ावा देने का अभी हमारा प्रयास होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जब बाहर के एंटरप्रेन्योर्स आज वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे इस सब गोल की काफ़ी डिमांड है, लेकिन राजस्थान में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का काम नहीं है, अभी ऊर्जा में जाके इसका प्रोसेसिंग होता है, तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया है कि वो यहाँ पर विश्व स्तरीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे किसानों का कच्चा माल बिके, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, ग्रेडिंग के साथ साथ में अन्य प्रकार की जो भी काम है वो इस ग्लोबल एग्रीटेक के माध्यम से एक छत के नीचे पूरे विश्व स्तर के लोगों को हम बुलाएंगे। आज पूरे विश्व में यदि हम देखें तो आज विश्व में 4 प्रकार की बीमारियां अति गंभीर रूप से फैलती जा रही है, जिनमें कार्डिक यानी कि हृदय रोग, लीवर रोग और इसके साथ में डायबिटिक और खासतौर से किडनी प्रॉब्लम। इन चारों के लिए अभी रिसर्च हुआ, कहीं अमेरिका में भी हुआ, कई जगह हुआ, जो नेशनल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक अमेरिकन डिपार्टमेंट के माध्यम से USDA यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इस पर रिसर्च हुआ है। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, राजस्थान प्रदेश में हम उन सारी चीज़ों को जो ऐसी बीमारियों का प्रिवेंट का काम करती है, रोकने का काम करती है, थेरेपिक का काम करती है, लेकिन चिकित्सा विभाग में अभी इस पर काम नहीं हुआ। तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व का मेडी ग्लोबल एग्रीटेक मीट का आयोजन करेंगे और बहुत जल्दी उसको मई के महीने में हम लोग उसको ग्लोबल एग्रीटेक के बाद में उसको करेंगे, तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि हमारे राजस्थान में पैदा होने वाली ऐसी क्रॉप
जिनके माध्यम से कैंसर को रोकने की थेरेपी को प्रिवेंट करने का जिनमें क्षमता है, उनमें ओलिव है। ओलिव का आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायबिटिक है और एंटी कार्डिक है। मैं समझता हूँ कि अभी तक का जो रिसर्च हुआ है उसमें पूरे विश्व में राजस्थान प्रदेश पहला प्रदेश बन गया है जिसने ओलिव ग्रीन टी बनाकर पूरे विश्व में चार प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर को रोकने की पूरी क्षमता रखते हैं, उनमें एपिजिन, लियोटिलिन, कैपिक एसिड और हाइड्रोसोल ऑक्साइड, ये चारों इतनी अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमारा ये प्रयास होगा कि मेडी ग्लोबल एग्रीटेक करेंगे, उसमें चिकोरी कई प्रकार के रोकथाम करने की, अभी 30,000 हेक्टेयर में राजस्थान में हम उसके पैदावार कर रहे हैं। इसी प्रकार चिया सीड है, इसी प्रकार किनोवा है और इसी प्रकार यदि हम कहें तो ड्रमस्टिक के बारे में भी 300 प्रकार की बीमारियों का रोकथाम करने का काम करता है। तो मेडी ग्लोबल एग्रीटेक मीट होगा, मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए एक माइलस्टोन बन के पूरे विश्व में राजस्थान के किसान की आमदनी दुगनी करने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि पहला ग्लोबल एग्रीटेक मीट जयपुर में हुआ, उसमें 38 MOU हुए थे। 38 MOU में 4,400 करोड़ रुपए की लागत के MOU हुए थे और इसी प्रकार कोटा में भी हमारे 22 MOU कोटा में हुए थे और इसी प्रकार उदयपुर में भी हमारे MOU हुए थे। लेकिन कोटा में और जयपुर में जो ग्लोबल एग्रीटेक मीट में हमारे जो MOU हुए थे उसमें 50% के लगभग हमारे MOU धरातल पे आने लगे हैं। बहुत सारों ने काम भी शुरू किया, जैसे कि A2 मिल्क का हमारा जो हुआ था वो काम शुरू हो गया, आज उसकी मार्केटिंग भी होने लगी है, सीकर में लगा है। इसी प्रकार दूसरा MOU हमारा ग्रीन टी का हुआ था वो भी वर्किंग में आ चुका है। इसी प्रकार वाइनरी स्थापित करने का, हम लोगों ने फ्रूट की वाइनरी बनानी थी जिसमें डेट पाम या हम कहें कि पोमोग्रेनेट या हम कहें संतरा या स्ट्रॉबेरी, इन चारों चीज़ों से वाइनरी स्थापित करने का MOU हमारा हुआ था। वो MOU भी धरातल पे आ चुका है, उसकी राजस्थान में पहली बार, हिंदुस्तान में पहली वाइनरी राजस्थान में हमारी लग चुकी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, मार्केटिंग उसका हो रहा है, विदेशों में उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ जितने भी कच्चे फ्रूट हमारे वेस्टर्न राजस्थान में किसानों के खजूर के होते थे, सारा का सारा MOU करके हम लोगों ने उस पर काम शुरू करके बहुत बड़ी सफलता हमको मिली है। इसी प्रकार ग्रेडिंग और छोटे छोटे जो MOU थे जिनमें धनिया था, लहसुन था, ऐसे छोटे छोटे जो MOU थे वो भी काम हुआ है। एक कस्टमर हाई सेंटर का जो हमारा MOU था जिसमें प्रत्येक ब्लॉक पे हमको कस्टमर हाई सेंटर स्थापित करने थे, वो सभी जगह हमारे स्थापित हो चुके हैं। ये MOU भी हमारा सफलता के मार्ग की ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। और इसी प्रकार 15 ऐसे हमारे MOUs हैं जिनमें कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई मामला है या कोई बैंक से फाइनेंस का मामला है या उसके प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी 60% के लगभग हमारे जो MOU थे वो सफलता की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये प्रयास होगा क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल एग्रीटेक मीट के अंतर्गत, हमारा लक्ष्य सिर्फ ये नहीं था कि हमको संख्या बढ़ानी है, हमारा ये लक्ष्य था कि चाहे MOU छोटे हो लेकिन वो धरातल पे हैं, किसानों को उसका लाभ मिले, ग्रेडिंग पैकिंग वैक्सिंग का काम हो, जूस का भी एक, इसका आपके ऑरेंज का और इनके जूस का भी हम लोगों ने एक MOU किया था, उसका भी लैंड प्रक्योर, उसका कन्वर्जन भी हो चुका है, उसके मेरे ख्याल से तो अब धरातल पे वो भी आ गया है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जिस प्रकार से ग्लोबल एग्रीटेक में हमें सफलता मिली है, नई नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला ग्लोबल एग्रीटेक मीट में। जिस प्रकार नई, जैसे चिया की खेती जो खासतौर से अमेरिका और मेक्सिको में होती है, उसका 1,00,000 रुपए का लगभग का उसका आप एक क्विंटल की उसकी कॉस्ट होती है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायबिटिक है। और नासा में जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं वो लोग पहले 15 दिन तक उसका सेवन करते हैं ताकि उसके बॉडी पे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, कैल्शियम से भरपूर है, ओमेगा 3 का प्रयोग है। हम लोगों ने मेक्सिको से लाकर राजस्थान में पहली बार हम लोगों ने 3 स्थानों पर उसका प्रोडक्शन शुरू किया, जिसमें जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में शुरू अच्छा प्रोडक्शन हमारा आया है। इसी प्रकार कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने किया, उसकी सफलता मिली है। और टोंक के देवड़ावास में भी हमने चिया की खेती की शुरुआत हिंदुस्तान में पहली बार हम लोगों ने की, हमें सफलता मिली, हमारे हौसलों को पंख लगे। इसी प्रकार हम लोगों ने किनवा की खेती भी की है,
किनवा की खेती का प्रोडक्शन हमारे काफ़ी अच्छा हुआ, 30,000 मेट्रिक टन के लगभग पैदावार है, लेकिन उसका मार्केटिंग के अभाव में अभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम लोगों ने बेंगलोर की कंपनी के साथ जो MOU किया था, वो कंपनी का कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा चल रहा है, वो आ रहा है और राजस्थान में प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई करेगा। तब तक हम कोशिश करेंगे गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा जिन किसानों को मिनी किट दिए थे उन किसानों के हम लोग प्रोक्योरमेंट करने का काम भी हम लोग करेंगे। देखिए मैं आपको जब बता दूँ कि अभी अगर हम जियोमेट्रिक चेंजेज की बात करेंगे, पेरिस में आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और जिसमें इस बात की चिंता की गई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती जा रही है, हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे कि राजस्थान में जिस प्रकार से 3 चरण हमारे पूरे हो चुके हैं, 4th चरण हमारा चालू होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में निश्चित रूप से जो शहरी क्षेत्र में जितनी हमारी बावड़ियाँ थी हम लोगों ने उनका रिनोवेशन किया है, उनका सुधार किया है, उनको सफाई की है, अभी पानी की अवेलेबिलिटी हमको अच्छी उसमें मिल पा रही है। गांवों के जो एनीकट थे, गांवों के नाले थे, गांवों के खाल थे या ट्रेंचेस खोद के हम लोगों ने इको रेस्टोरेशन के जो काम किए थे वो सफलता तो मिलती है, लेकिन 12 महीने तक उनमें पानी रुकना संभव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बरसात जो होती है वो बरसात कभी ज़्यादा होती है कम होती है, लेकिन हमारे जल स्रोत जो बने उन जल स्रोतों से हमारा ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम इतनी नहीं आई जितने गत वर्षों में आई थी। इसलिए देखिए जहाँ तक मैं कहूँगा जल स्तर तो विश्व स्तर पे घट रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तब वो बढ़ेगा तो हमारा नेचुरली घटेगा और जब घटेगा तो हमारे जो जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि ओजोन परत में जिस प्रकार के छेद हुए, पैरामैग्ना रेजेस हमारे वर्ल्ड में सबके नीचे आ रही है, तो वो क्रॉप के लिए भी, पानी के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सबके लिए खतरा है। इसलिए हम लोग उसके संरक्षण का एक प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको रोकें, और रोकने की हमें सफलता निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन में हमें मिली है। आगे और कोशिश करेंगे कि और कैसे रिनोवेशन इसका करेंगे। ये निश्चित रूप से यदि हम अभी अप्रैल तक की बात करते हैं, देखिए अंतरिक्ष में उड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सफलता की ओर बढ़ूंगा, और स्पाइडर की मैन की तरह राजस्थान की सरकार काम करती है। सफलता मिले नहीं मिले हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन प्रयास हमारा लक्ष्य होता है, और हम प्रयास को लेके ये कोशिश करेंगे कि जितनी हमें सफलता मिली हम और अधिक न हम रुकेंगे न हम थकेंगे, हमारा प्रयास जारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे इसको और अधिक हम अच्छा कैसे बनाएं ताकि पानी का स्तर कम से कम 12 महीने नहीं तो भी 6 महीने तक तो वो मेंटेन हो सके, हमारे ड्राई होने वाले हैंड पंप को हम रिचार्ज कर सकें। ये प्रयास की सफलता हमें मिली है। देखिए निश्चित रूप से ये सही है, पूरे विश्व की यदि बात करेंगे तो मात्र दुबई में जो एक यूनिवर्सिटी है वो टिश्यू कल्चर के प्लांट बनाकर पूरे विश्व को देती है, जिसमें खासतौर से मेडजूल, बरही, जगलूल, खलास, खदरावी, जामली, ये अंतर्राष्ट्रीय किस्में जो हमें यदि आवश्यकता है तो हम लोगों ने दुबई से प्लांट मंगवाए थे। अभी राजस्थान में टिश्यू कल्चर का लेब जो लगा था वो जोधपुर में लगा था, अतुल के द्वारा लगाया गया था, लेकिन उसकी क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण से हम लोगों ने उनके पौधों पर विक्रय पर लोग 2 साल पहले लगा दी थी। अभी गुजरात से कुछ पौधे आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने 2 साल से किसान को फ्री किया है कि वो अपने मर्जी से जहाँ भी अच्छी क्वालिटी के टिश्यू कल्चर प्लांट मिलते हैं वो स्वयं खरीद ले, उसके खाते में हम DBT कर देंगे, जितना सब्सिडी का हमको अनुदान देना है। तो अभी कुछ किसान एक फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बना करके अभी गुजरात से कहीं से वो लोग पौधे लेके जामली खनुजी वेराइटी लेके आ रहे हैं, लेकिन सबसे विश्व स्तरीय जो पटखजूर है जिसमें मेडजूल है, बरगी है, जगलूल है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किस्में हैं, ये बाहर से आयात किए जाते हैं। अब की बार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बिट डाल रहे हैं, इसमें कोई अच्छी कंपनी आती, क्योंकि प्लांट देना एक अलग विषय है,
प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इम्प्रूव होना एक अलग विषय है। तो अभी जितने हम लोगों ने बाहर से जो प्लांट मंगाए थे लगभग 2500 से 3000 हेक्टेयर में अभी तक हम लोगों ने वेस्टर्न राजस्थान में खेती करके सफलता की मार्ग की बढ़े हैं। अभी 80 किलो से लेकर 100 किलो तक एक एक फेड का फ्रूटिंग हो गया, चल रहा अभी अभी वर्तमान में भी उसका फ्रूटिंग का टाइम है। तो मैं समझता हूँ एमर्जिंग, अगर ये वेस्टर्न राजस्थान में इसको हम लोग ग्रीन करेंगे और इसको और अधिक किसान रुचि लेकर आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ जलवायु परिवर्तन भी उसके साथ में भी उसका लाभ मिलेगा। और वहाँ पर जिस प्रकार गर्मी पड़ती है रेत उड़ती थी वो भी रुक सकेंगे। एग्रो टूरिज्म सेंटर के रूप में भी हम लोग जैसलमेर के सगरा भोज का को विकसित कर रहे हैं, उसकी स्वीकृति हम लोगों ने जारी कर दी। देखिए 2012 का ये विषय था, 2012 में गंगानगर हनुमानगढ़ में भी सहित बीकानेर जोधपुर में पौधे अतुल के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसी कोई शिकायत हमें अब तक नहीं मिली। हमें शिकायत मिली है, मैं खुद मौके पर गया हूँ, मैंने खुद खेत को देखा है, कुछ प्लांट्स में फ्रूटिंग नहीं था, कारण जो भी होगा जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि यदि अगर वो टिश्यू कल्चर प्लांट नहीं है तो उसका फ्रूटिंग का टाइम 10 से 15 साल लगता है, और यदि वो टिश्यू कल्चर है तो तीसरे और चौथे साल में हर सूरत में उनके फ्रूट आना शुरू हो जाता है। ये सारा विषय जांच का है, सरकार ने गंभीरता से भी लिया था, हम लोगों ने पहले भी उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया है और निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे इस पर। अतुल डेट फार्म है। जैसे पीस एक्ट जो है वो कांग्रेस के दिमाग की खुजलाहट है और वो खुजलाहट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पर हम लोगों ने पीस एक्ट कमेटी का गठन किया है और पीस एक्ट कमेटी के अंतर्गत लगभग 26,000 स्कूलों में 5 मैनेजमेंट के और 5 अभिभावकों के एक कमेटियां हम लोगों ने बना रखी है। वो पीस का निर्धारण करती है, पीस बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए कितनी होना चाहिए सारे मैटर को वो देखती है। और मैं समझता हूँ कि पीस एक्ट के अंतर्गत 26,000 स्कूल उसके दायरे में अभी हमारे, इसलिए कांग्रेस अपना एक प्रोपेगेंडा करके उनका मकसद मात्र असफलता को छुपाना है और लोकतंत्र में अस्थिरता पैदा करना है। तो रोज़ कहीं ना कहीं नया नया इश्यू लेके वो आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को भुनाने का प्रयास भी कांग्रेस ने किया था और आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक राष्ट्र महापुरुष थे हमारे, जिन्हें आपने देखा होगा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, संविधान के वास्तुकार भी थे वो लोग। और आप आश्चर्य करेंगे कांग्रेस ने जितनी भी उपेक्षा डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की किए अब तक इतिहास गवाह, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को उनके सिद्धांतों को, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हम लोगों ने कोशिश करके डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को और उनके सिद्धांतों को आम छोटे लोगों तक ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यदि कांग्रेस इस बात की बात करती है तो मैं पूछना चाहता हूँ 1952 में जब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर बॉम्बे से जब चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस ने उनको हराने का प्रयास किया, पंडित नेहरू जी ने जाके चुनाव को उनको हराया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ दूसरा उम्मीदवार भी तैयार किया है। इसी प्रकार 1953 का चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस ने उनका विरोध किया था। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के सिद्धांतों को चलते हैं। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहूँगा सामाजिक सौहार्द बनाना सभी राजनीतिक पार्टियों का धर्म बनता है, सबको साथ लेके चलना हम सब पार्टियों का धर्म बनता है और यदि हम सब साथ चलेंगे तो हिंदुस्तान निश्चित रूप से एक हिंदुत्व प्रदेश बनकर पूरे देश में अपना स्थान रखेगा। क्या लगता है आपको सीमित हो रही है, बाकी जनरल कास्ट से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है, सब पैर की उधर ही गिर की जा रही है, क्यों विभाजन राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्व के नाम पे या SC ST के नाम पे क्यों कर रही है? देखिए मेरे ख्याल से तो आपको जानकारी होगी BD सावरकर जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदुत्व है, और उस हिंदुत्व का जो कंसेप्ट था उसमें न उसमें ST था न SC था न मुस्लिम था,
सारे देश को एक हिंदुत्व के रूप में विकसित करने का विजन देखा था, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी वर्ग को छोटा और बड़ा करने का प्रयास हम लोगों ने नहीं किया। 36 की 36 कौम को साथ लेकर हम लोगों ने कोशिश की है, और हम लोग तो ये भी कोशिश करेंगे कि सभी वर्गों को संविधानिक जो अधिकार दिए हुए हैं, मूल अधिकार जो दिए हुए हैं, ड्यूटीज एंड राइट्स को ध्यान में रखते हुए संविधान का पालन होना चाहिए। व्यक्ति अधिकार तो सब मांगना चाहते हैं, कांग्रेस किसी प्रकार की बातें करती है, क्या उनका राइट नहीं है, उनका दायित्व तो नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, सभी प्रकार के लोगों को समान दर्जा मिले। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के, क्योंकि हमारी जो पंचनिष्ठाएँ हैं, आपने देखा होगा एकात्म मानववाद के विजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, और हमारा जो विजन है उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी आप जैसा कि मैं बता दूं, आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर एक बहुत बड़ा ट्वीट करके कहा है कि इस प्रकार की ना हमारी कभी मंशा थी, ना हमारी मंशा रहेगी स्टेट की, और हम हमेशा से जो भी एट्रोसिटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ राजस्थान के द्वारा नहीं की जाएगी, न की जा रही है, और न ही आरक्षण के मुद्दे को न तो खत्म किया जाने की कोई विचार है और न ही हम लोग करेंगे। एक बार बताओ, एक को अधिकार दे रहे, दूसरे का अधिकार अलग हो रहा है, वोट यही दे रहा है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा कि पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, गलत कहा है इसमें, आपकी पार्टी जो विरोध कर रही है इसका? देखिए, हमारी कोई पार्टी नहीं कर रही है, ये विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। अगर ये पार्टियां इसका सपोर्ट करती तो हम सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार रिव्यू में नहीं जाती। रिव्यू में जाने का मतलब ये है कि उसको हम लोग, जरूरी नहीं है कोई भी जो ओपिनियन आए, माननीय उच्च न्यायालय ने दिए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने दिए थे, लेकिन उसका रिव्यू पिटिशन हमारे भारत सरकार ने किया है, इसलिए आप इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये बताइए, अभी जो वो क्या मंशा रखती सरकार वापस लेने की मंशा रखती है या फिर वो केस चले? देखिए, मैं समझता हूँ सरकारें कोई भी रही हो, जब जब भी राजनीतिक प्रदर्शन हुए हैं, सामाजिक प्रदर्शन हुए हैं, तब तक कोई भी सरकारें रही हो, ऐसे प्रकरणों को मेरिट पे डिसाइड करके, गुणावगुण पे देखकर उनको विड्रॉ करती रही है, आज का नया विषय नहीं है। यदि जिला कलेक्टर, वहाँ का आपका डीजे एसपी और वहाँ के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, इन तीन लोग अभियोजक, इन तीनों की कोई कमेटी बनी होती है, और यदि उस कमेटी की राय में ऐसा आता है उनमें से कोई भी दो व्यक्ति कि ये केस विड्रॉ किए जाने योग्य है, तो निश्चित रूप से उसमें विड्रॉ की कार्रवाई की जाती है, कोई नया विषय नहीं है। 2 अप्रैल को जो कुछ हुआ था राजनीतिक आंदोलन, देखिए मैं इसके बारे में इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैंने पहले ही कहा है कि इसके प्रायोजक कोई भी रहे हों, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, आईपीसी में एक सीधा शब्द है मैंजेरिया, और मैंजेरिया आपराधिक सोच होती है, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति ही क्यों ना हो, यदि उसका मैंजेरिया ही दूषित है तो ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी पार्टी का हो, इसमें तो कौन क्या कह सकता है। राजस्थान प्रदेश में इस वर्ष गेहूं, चना, सरसों की बम्पर पैदावार हुई है, जो लगभग 20 वर्षों में भी इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं हुआ। सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तीन प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम किसानों की फसल खरीदने का काम कर रहे हैं, योजना बना के काम किया है। सबसे पहला MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके अंतर्गत राजस्थान प्रदेश में गेहूं खरीद केंद्र हम लोगों ने स्थापित किए हैं, जिनमें FCI के 98 सेंटर खोले हैं हम लोगों ने, और 129 के लगभग राजफेड के माध्यम से गेहूं प्रोक्योरमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की समय सीमा और किसी प्रकार का कितना खरीदना है ये नहीं है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है, जितने भी भाव नियंत्रित तब तक नहीं होंगे जब तक सरकार इसका प्रोक्योरमेंट करेगी और कर रही है। इसी प्रकार दूसरा जो योजना है उसमें है प्राइस सपोर्ट स्कीम,
PSS, इस स्कीम के अंतर्गत चना और सरसों का खरीद केंद्र हम लोगों ने स्थापित किए हैं और इसके अंतर्गत खरीदने के लिए लगभग 184 सेंटर तो हम लोगों ने चने के खोले हैं और लगभग 226 सरसों के प्रोक्योरमेंट सेंटर राजस्थान में हम लोगों ने खोले हैं। अभी हाल ही में कोटा संभाग में किसानों की मांग को देखते हुए और हाडोती क्षेत्र में लहसुन की बम्पर पैदावार होने के कारण लगभग 7,75,000 मीट्रिक टन के लगभग राजस्थान में लहसुन की पैदावार हुई है और उसके प्रोक्योरमेंट के लिए भी भारत सरकार से अनुमति हमें मिल चुकी है और 32 रुपये 57 पैसे 25 mm तक की क्वालिटी के जो भी लहसुन होंगे उसका प्रोक्योरमेंट इंटरवेंशन ऑफ मार्केट स्कीम MIS योजना के अंतर्गत सरकार करेगी और 16 तारीख से हम लोगों ने उसका ऑनलाइन का काम भी शुरू कर दिया है और मैं समझता हूँ कि अभी जो सेंटर हम लोगों ने खोले हैं आवश्यकता हुई तो और सेंटर भी हम लोग खोलेंगे। इसके साथ ही राजपेट को भी हैंडलिंग और हैंडलिंग चार्जेस के लिए भी 8,000 से अधिक की राशि पर मेट्रिक टन दी गई है ताकि यहाँ से प्रोक्योरमेंट करके उसको हैंडलिंग करके अन्य स्थानों पर उसको ले जाए। लेकिन हमारा ये प्रयास होगा, चने में एक जो दिक्कत आ गई थी, पहले चना खरीद पर 25 क्विंटल तक की क्षमता रखी गई थी कि 25 क्विंटल से ज़्यादा एक किसान नहीं बेच सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा के अब 40 क्विंटल कर दिया है। 40 क्विंटल के माध्यम से 12 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक जिन किसानों ने अपना चना जो 25 क्विंटल के हिसाब से बेचा था, ऐसे किसानों को हम लोगों ने एक मौका दिया है कि बाकी बचा हुआ चना और वो 16 तारीख यानी कि 18 तारीख तक वो उसको दे सकेंगे, उसका प्रोक्योरमेंट हम करेंगे। इसके अलावा 16 तारीख से अब 40 क्विंटल पर किसान के हिसाब से प्रोक्योरमेंट का काम होगा ताकि किसानों की फसलों का प्रोक्योरमेंट किया जा सके, किसान को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार MIS तब करती है जब बाजार में फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए क्वालिटी, फेयर एवरेज क्वालिटी का एक मापदंड होता है, उस मापदंड के अंतर्गत 25 mm के लहसुन को माना गया है। भारत सरकार की अनुमति भी हमको मिली है और 25 mm से छोटे जो लहसुन है या 35 mm से छोटा जो प्याज है वो इस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उनको अलग रेट से प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि हमें भी इसको रीसेल करना पड़ेगा। रीसेल करने के बाद में जो भी नुकसान होगा, यदि 50% तक नुकसान होता है तो उसमें 25% तक लॉस होगा, तो 50% तक भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों वहन करेगी ताकि किसान को हम लोग सही समय पर उनकी राशि उपलब्ध करा सकें।